नमस्ते, मैं हूं आपकी सहेली संगीता डेजी। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें मैं आपको वैक्स हीटर की कुछ क्वालिटीज दिखाऊंगी। हो सकता है आपने इनमें से कुछ क्वालिटीज को यूज भी किया हो। ये वाला वैक्स हीटर बहुत पुराना मॉडल है, इसको तो आपने जरूर अपने पार्लर में यूज किया ही होगा। ये वाला वैक्स हीटर न्यूरॉन कंपनी का है। आपने वैक्स हीटर के ढक्कन टूटने की प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा। इस कंपनी का ढक्कन भी पहले काफी टूटता था, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने काफी इम्प्रूव की है वैक्स हीटर की क्वालिटी। इसका जो ढक्कन है वो काफी मजबूत है और ये काफी इकोनॉमिकल भी है। मैं इस वीडियो में जो भी वैक्स हीटर दिखा रही हूँ उनके रेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और एक नंबर भी दे दूंगी जहां से अगर आप चाहो तो इनको परचेज भी कर सकते हो। ये वाले ओजोमैक्स कंपनी के वैक्स हीटर हैं। इसमें ये छोटे वाला वैक्स हीटर भी आता है जिसमें आप फेशियल वैक्स को गर्म कर सकते हो। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और ये वाला इम्पोर्टेड वैक्स हीटर है। इस वैक्स हीटर के अंदर ये एक छोटी सी बकेट दी है इन्होंने। इसके अंदर आप वैक्स गर्म करके आप कहीं दूसरी जगह पे वैक्स को ले जा सकते हो। कभी क्या होता है कि जैसे जब हम वैक्स करते हैं तो वैक्स हीटर दूर होता है, तो उस केस में ये जो बकेट है आपके काफी काम आएगी, तो आप इस बकेट को दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। आजकल पार्लर में काफी वैरायटी वाली वैक्स यूज होती है। अलग अलग कई बार वैक्स हीटर रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए आप ये वाला वैक्स हीटर यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैक्स का डब्बा रख सकते हो, इसमें आपका रिका का डब्बा भी आराम से आ जाएगा। इसी का एक छोटा साइज है ये वाला वैक्स हीटर। इसमें भी आप डालकर देख सकते हो कि मैंने डालकर नहीं देखा है, मुझे लग रहा है कि इसमें जो वैक्स हीटर का डब्बा इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसमें रिका का डब्बा नहीं आएगा। और इसमें आपका ये टेम्परेचर कंट्रोल भी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ वैक्स हीटर की जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जहाँ पर आपकी सहेली लिखा हुआ है बिल्कुल उसके सामने सब्सक्राइब बटन अगर रेड कलर का है उसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल को भी क्लिक करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो के नीचे जहाँ टाइटल लिखा हुआ है उसके नीचे लाइक और डिसलाइक है, लाइक वाले बटन को क्लिक करके उसको आप ब्लू कर लें। वीडियो के ऊपर आपको शेयर का बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो को शेयर कर दें।